तो वहीं मुहर्रम के मद्देनजर देश भर में सुरक्षा के इंतजाम भी बढ़ा दिए गए। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे की मदद से निगरानी की जा रही है। तो वहीं लखनऊ में मुहर्रम जुलूस के मद्देनजर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान यूपी के डीसीपी वेस्ट दुर्गेश कुमार ने कहा कि हमने मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था की है। करीब 2000 सिविल पुलिस बल, 14 पीएसी कंपनियां, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की 2 कंपनियां यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि यहां घुड़सवार पुलिस को भी तैनात किया गया है। हम ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों के जरिए भी जुलूस पर नजर रख रहे हैं। आज ये मुहर्रम, 10वीं मुहर्रम का जुलूस है। ये नाजिम शाह इमामबाड़ा विक्टोरिया स्ट्रीट से निकलकर ये ताल कटोरा के करबले तक जाएगा। इसकी हम लोगों ने मल्टी लेयर सुरक्षा की है, की व्यवस्था की है। इसमें कुल लगभग 2000 सिविल पुलिस का एलिमेंट है, 2 कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है। इसके अतिरिक्त हम माउंटेड पुलिस का भी डिप्लॉयमेंट है और पूरे जुलूस की निगरानी हम ड्रोन से भी कर रहे हैं, अनमैन एरियल व्हीकल से भी। जो सुरक्षा है वो सेक्टर ड्यूटी के रूप में है, फिक्स पॉइंट्स हैं, बैरियर ड्यूटीज हैं, मोबाइल ड्यूटीज हैं, हमारे मोटरसाइकिल दस्ता हैं। और जुलूस के साथ, जो जुलूस की सुरक्षा है उसके साथ चलने वाला फोर्स है वो बॉक्स फॉर्म में हमने किया है, जिसमें आगे, पीछे और साइड में डिफरेंट सेक्टर्स में उस जुलूस को बांट के सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। ये बहुत ही मजबूत सुरक्षा व्यवस्था हम लोगों ने इसकी की है और शांतिपूर्वक अच्छे से निकलवाने का जो विकल्प है उसको हम पूरा करेंगे। डाइवर्जन तो काफी एक्सटेंसिव है जो बाहर के एरिया से किए गए हैं। करीब 15 रूटों पर डाइवर्जन किया गया है जो इधर नहीं आएंगे। विक्टोरिया स्ट्रीट पर किसी व्हीकल को अलाउ नहीं किया गया है। साथ में ट्रैफिक व्यवस्था फोर्स हम लोगों ने उसमें डिप्लॉय किया हुआ है।